शिमला में बुधवार को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की, जिस दौरान पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की कार्यकारिणी कमेटी गठित की। आपने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के पहलू हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियां भ्रष्ट हैं और इसलिए शहर के लोगों के लिए तीसरा विकल्प खड़ा करने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे उनकी पकड़ मजबूत होने लगी है और पार्टी का विस्तार करने के लिए घर घर जाकर वो प्रचार प्रसार भी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश मिशन विस्तार स्टेट टीम का भी गठन किया है। आपको बता दें कि भाजपा से बगावत कर राजन सुशांत, जो कि पूर्व सांसद है, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और वही राज्य का कार्यभार देख रहे हैं। इसके जो कन्वीनर हैं वो श्री राजन सुशांत जी हैं, जो हमने पाया है यहाँ घूमने के बाद। सभी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग घूमे हैं और हमारे श्री राजन सुशांत जी हमें एकमात्र एक हमारे पार्टी के हमें ऐसा मिला, एक वो ही एक जुझारू कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति है, जो बहुत सालों का उनका तजुर्बा है राजनीति का, तो उनको हमने चुना है। और हमारी कमेटी में करीब तकरीबन 25 लोग हैं जिनको अलग अलग हमने जिम्मेदारी दी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।